यह वीडियो क्लास टेंथ के छात्रों के लिए सोशल साइंस से बनाया गया है। जो भी छात्र इस बार एग्ज़ाम देने वाले हैं वीडियो को अंत तक देखें। हम चाहते हैं आप जो है इस बार के एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त करें, तो इसके लिए हम काफ़ी मेहनत से ये वीडियो बनाए हैं, तो इसीलिए वीडियो को अंत तक देखें, तभी आपको जो है इसका पूरा लाभ मिल पाएगा। हमारा उद्देश्य है आपको जो है एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छे अंक दिलाने के लिए वस्तुनिष्ठ प्रश्न उपलब्ध कराना, तो इसके लिए आप हमारे चैनल पर आने वाले सभी वीडियो को पूरे देखें, और पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमें जितना भी मेहनत करके वीडियो बनाना पड़ेगा हम बनाएंगे, लेकिन हमारा उद्देश्य है आपको अच्छे अंक दिलाना, तो निश्चित रूप से चैनल पर बने रहे। पहला प्रश्न है, वेदों की ओर लोटों का नारा किसने दिया? तो इसका आंसर हो जाएगा स्वामी दयानंद सरस्वती ने। उसके बाद दूसरा प्रश्न है, नीला ग्रह किसे कहा जाता है? नीला ग्रह किसे कहा जाता है? यह सोशल साइंस का VVI प्रश्न है, इसी तरह के प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। उसके बाद तीसरा प्रश्न है, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब हुई थी? टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब हुई थी? इसका सही आंसर हो जाएगा 1907 ईस्वी में साक्ची नमक स्थान पर, जो अभी झारखंड में पड़ता है। उसके बाद चौथा प्रश्न है, गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ था? गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जर्मनी में हुआ था गुटेनबर्ग का जन्म। उसके बाद पांचवा प्रश्न है, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा 1952 ईस्वी में, 1952 ईस्वी में। उसके बाद अगला प्रश्न है, छठा वार एंड पीस नामक पुस्तक की रचना किसने किया था? वार एंड पीस नामक पुस्तक की रचना किसने किया था? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा टॉल्स्टॉय ने, टॉल्स्टॉय ने। उसके बाद सातवां प्रश्न है, जवाहर रोजगार योजना की शुरुआत कब हुई थी? जवाहर रोजगार योजना की शुरुआत कब हुई थी? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा 1989 ईस्वी में, 1989 ईस्वी में। उसके बाद आठवां प्रश्न है, कपास की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सा है? कपास की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सा है? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा काली मिट्टी, काली मिट्टी। उसके बाद नवा प्रश्न है, भारत में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक हैं? भारत में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक हैं? इसका आंसर हो जाएगा 19 बैंक हैं राष्ट्रीयकृत। उसके बाद दसवां प्रश्न है, भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष अटल बिहारी वाजपेयी थे, इसका चुनाव चिन्ह है कमल छाप। उसके बाद ग्यारहवां प्रश्न है, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा जर्मनी में, कार्ल मार्क्स का जन्म जर्मनी में हुआ था। उसके बाद बारहवां प्रश्न है, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? यूरोप महादेश का मरीज किसे कहा जाता है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा तुर्की को, तुर्की को। उसके बाद तेरहवां प्रश्न है, विश्व का प्रथम गणराज्य कहाँ स्थापित हुआ था? विश्व का प्रथम गणराज्य कहाँ स्थापित हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा वैशाली में, जो बिहार में पड़ता है, वैशाली बिहार में। उसके बाद चौदहवां प्रश्न है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया था? ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया था? इसका सही आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन राय ने, राजा राम मोहन राय ने। और इस सेट का अंतिम प्रश्न है, पंद्रहवां, नरेगा के अंतर्गत मजदूरों को साल में कम से कम कितने दिन रोजगार देने की गारंटी है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा 100 दिन। ये क्लास टेंथ में पढ़ने वाले छात्रों के सोशल साइंस का VVI वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। यदि आप अच्छे अंक लाना चाहते हैं तो निश्चित रूप से इस चैनल पर आने वाले सभी वीडियो को अंत तक देखें, और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें, ताकि इनका लाभ जो सभी को मिल सके। ये काफ़ी मेहनत से क्लास टेंथ में पढ़ने वाले छात्रों के लिए बनाए हैं, तो हमें जितना भी मेहनत करना पड़ेगा करेंगे, लेकिन आप जो है सभी वीडियो को देखते रहें तभी आप अच्छे अंक ला सकते हैं। इससे बेहतर प्रश्न जो है आपको कहीं नहीं मिलेगा।